ब्लड कार्पल्स कल्चर से बोला जाता है। ओके, दिस ब्लड कार्पल्स कल्स दे आर फॉर्म्ड इन अ प्रोसेस। ब्लड कार्पल्स कल्स बोले तो ब्लड के अंदर जो सेल्स है, सेल्स तीन टाइप के रहते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये तीन टाइप के सेल्स रहते हैं। WBCs, RBCs, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों टाइप के सेल्स है ना। अब ये जो ब्लड कार्पल्स फॉर्म हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दैट इज कॉल्ड एज हीमोपोएसिस, वो प्रोसेस को हीमोपोएसिस ऐसे बोला जाता है। अब हीमोपोएसिस उनका परसेंटेज रहता है दैट इज 45 to 45%, क्योंकि 50 to 55% ये जो परसेंटेज रहता है वो ब्लड प्लाज्मा का परसेंटेज रहता है। देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पल्स, चार टाइप के ब्लड कार्पल्स रहते हैं। उनमें एक रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज आरबीसीज, ये आरबीसीज, ये डब्ल्यूबीसीज, ये प्लेटलेट्स, और लास्ट वाले जो रहते हैं दीज आर कॉल्ड एज स्पिंडल सेल्स। अभी ये जो आरबीसीज जो रहते हैं ना, फर्स्ट जो सेल्स रहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स ऐसे उनको बोला जाता है, एंड दे आर नोन बाय अ प्रोसेस, दे आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पल्स का ही दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, ऐसा नाम है उनको, इरिथ्रोसाइट्स ऐसे बोला जाता है। तो आरबीसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स ये जो रहते हैं दे आर न्यूक्लिएटेड, वर्टिब्रेट के जो आरबीसीज रहते हैं वो न्यूक्लिएटेड रहते हैं। न्यूक्लिएटेड बोले तो उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। वेयर एज दोज ऑफ मैमल्स, मैमल्स के अंदर आरबीसीज मगर कैसे रहते हैं, दे आर ई न्यूक्लिएटेड, एक्सेप्ट कैमल, सिर्फ कैमल को छोड़ के बाकी सभी जितने भी मैमल्स है वो मैमल्स के अंदर आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड रहते हैं। ई न्यूक्लिएटेड मीन्स दे आर विदाउट न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। अब आरबीसीज का रोल क्या रहता है, आरबीसीज ऑफ मैमल्स लूज न्यूक्लियस ड्यू टू डीजेनरेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। बोले तो आरबीसीज के अंदर का जो न्यूक्लियस क्यों लॉस हो जाता है, दैट इज टू ऑक्यूपाई द मोर हीमोग्लोबिन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए वो आरबीसी के अंदर में से न्यूक्लियस सेकेंडरीली क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और आरबीसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फीटस का जो आरबीसी रहता है, फीटस बोले तो जो ग्रोइंग ये रहता है, बेबी रहता है इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर, तो इन द फिटस आरबीसीज आर मेनली फॉर्म्ड इन लीवर, ये फॉर्म कहाँ हो जाते हैं, तो फिटस के लीवर के अंदर फॉर्म हो जाते हैं और स्प्लीन के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, बट आफ्टर बर्थ, मगर बर्थ के बाद में दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये बोन मैरो के अंदर फॉर्म हो जाते हैं
एंड बोन मैरो इज द मेन साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। और वो जो बोन मैरो रहता है वो मेन साइट रहता है, कौन से प्रोसेस के लिए मेन साइट रहता है, तो दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज फॉर्म करने के लिए वो मेन साइट रहता है। देन सेलेमेंडर, सेलेमेंडर एंड एम्फीमा मीन्स हैज द लार्जेस्ट आरबीसी। सेलेमेंडर के अंदर सबसे ज्यादा बड़े आरबीसीज रहते हैं, अबाउट 80 माइक्रॉन इन डायमीटर। अपने बॉडी के अंदर 7 to 8 माइक्रॉन के ही रहते हैं। अब इसके बॉडी के अंदर, सेलेमेंडर के बॉडी के अंदर 80 माइक्रॉन की आरबीसीज रहते हैं। मस्क डियर उसके अंदर हैज द स्मॉलेस्ट आरबीसीज, वो रहते हैं 1.5 माइक्रोमीटर, सबसे छोटे आरबीसीज रहते हैं। ठीक है, अब आरबीसीज का शेप कैसे रहता है, तो आरबीसीज आर ऑफ बायकॉनकेव, वो बायकॉनकेव रहते हैं। बायकॉनकेव बोले तो जिसके बॉडी के अंदर आरबीसी का शेप दोनों तरफ से क्या रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, एंड राउंड इन शेप, और शेप में कैसे रहते हैं, वो राउंड रहते हैं। नंबर ऑफ आरबीसीज चेंज्ड ड्यू टू फिजियोलॉजिकल स्टेट। आरबीसी का नंबर जो चेंज हो जाता है, क्यों चेंज हो जाता है, तो दैट इज ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल स्टेट के वजह से वो आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिजियोलॉजिकल स्टेटस बोले तो जो वर्क वो बॉडी में करते हैं उसको फिजियोलॉजिकल स्टेटस बोला जाता है। अब आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन रहता है, दैट इज ऑफ 120 डेज, 120 दिन तक आरबीसीज सर्वाइव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। उसके बाद में उनकी अपने आप क्या होती रहती है, डेथ होती रहती है। एंड नंबर इज 5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, उसमें 5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज रहते हैं। ठीक है, देन इन फ्रॉग एंड रैबिट देयर लाइफ स्पैन इज 100 डेज एंड 50 to 70 days। फ्रॉग के अंदर 100 डेज रहता है और रैबिट के अंदर 50 to 70 days रहता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आरबीसी का नंबर काउंट करना, उसको हीमोसाइटोमीटर से बोला जाता है, द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूटिलाइज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ आरबीसीज, दैट इज कॉल्ड एज हीमोसाइटोमीटर। अब उसमें एक्सेस ऑफ जो आरबीसीज रहते हैं, दे आर नोन एज पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी का नंबर अगर बढ़ जाता है तो उसको पॉलीसाइथीमिया ऐसे बोला जाता है। एंड अलोन आरबीसीज येलो कलर की रहती हैं, बट इन अपीयर्स रेड इन क्लस्टर। मगर पूरे आरबीसी जब एक साथ आते हैं तो उनका कलर रेड रहता है। एक्सेस आरबीसीज आर स्टोर्ड इन स्प्लीन। ज्यादा होने वाले आरबीसीज स्प्लीन के अंदर क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। दस इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक ऐसे बोला जाता है। अब आफ्टर डेथ, आरबीसी की डेथ हो जाती है, तो लीवर इज कॉल्ड एज द ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसीज। लीवर जो रहता है वो आरबीसी का ग्रे यार्ड रहता है। अब बाद में जब व्हेन ब्लड इज मिक्स्ड विद डिस्टिल्ड वाटर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन द आरबीसीज इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि पानी अंदर चला जाता है और वो बर्स्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एनिमल सेल्स हैं, उनके ऊपर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, सेल वॉल नहीं रहती है। इसलिए आरबीसीज हाइपोटोनिक सोल्यूशन या वाटर के अंदर
अगर आप डाल देते हैं तो वो आरबीसीज क्या हो जाते हैं, बोस्ट हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं. दिस इज नोन एज हीमोलाइसिस. ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस की प्रोसेस बोला जाता है. अब आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो आरबीसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, ड्यू टू विच दे अपीयर रेड इन कलर. अकेला आरबीसी येलो कलर का दिखता है, मगर ग्रुप में अगर रहता है तो वो रेड कलर के दिखाई देते हैं. एंड जो हीमोग्लोबिन रहता है दैट इज एक्ट एज अ वेस्कुलेटरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट. उसका मीनिंग है कि वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोले तो दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक हीमोग्लोबिन, गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करवाता है. अब मेल्स के अंदर 15 टू 16 ग्राम्स, फीमेल के अंदर 13 टू 14 ग्राम्स एंड चाइल्ड के अंदर 16.5 ग्राम्स हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट 400 ml ऑफ ब्लड. 400 ml ऑफ ब्लड के अंदर इतने आरबीसी क्या रहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. हीमोग्लोबिन का वो लेवल रहता है. देन प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज मेजर्ड बाय सहलीज हीमोमीटर, उसको सहलीज हीमोमीटर ऐसे बोला जाता है. अब हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होने के वजह से कुछ डिसऑर्डर कॉज किए जाते हैं. ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन अमोनिया occurs एंड इट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप. ये अलग अलग टाइप का अमोनिया रहता है. दैट वन इज कॉल्ड एज परनीशियस एनीमिया. अभी परनीशियस एनीमिया कैसे रहता है, तो इट इज नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने की वजह से हो जाता है. इन विच द नंबर्स ऑफ आरबीसीज क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं एंड द साइज ऑफ आरबीसीज इंक्रीज. और आरबीसीज की जो साइज रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, बट हीमोग्लोबिन कंटेंट इज लेस इन आरबीसीज. मगर आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत लेस रहता है. The next one is sickle cell anemia. अभी ये जो sickle cell anemia है, that is a genetic disorder. एक genetic disorder है in which RBCs becomes sickle shaped. उसके अंदर RBCs जो बाइकॉन के RBCs है ना, वो RBCs उसके अंदर sickle के shape के जैसे बन जाते हैं, इसीलिए उसको sickle shaped बोला जाता है. थैलेसीमिया जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच बॉडी डज नॉट प्रिपेयर हीमोग्लोबिन और आरबीसीज, जिसमें बॉडी हीमोग्लोबिन ही प्रोड्यूस नहीं कर देती है या आरबीसीज ही प्रोड्यूस नहीं कर देती है, उसको बोला जाता है थैलेसीमिया, ऐसे बोला जाता है. फिर नेक्स्ट आता है स्पेक्टिसेमिया. इट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्लड पॉइजनिंग, जिसमें ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसको स्पेक्टिसेमिया ऐसे बोला जाता है.
और न्यूट्रिशनल एनीमिया जो रहता है इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। न्यूट्रिशनल एनीमिया क्यों हो जाता है, जिसके वजह से डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। फूड के अंदर अगर आयरन कम रहता है तब उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बोला जाता है। अब इरिथ्रोपोएसिस किसे बोला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग फॉर इरिथ्रोपोएसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, जहां पर आरबीसीज फॉर्म करने की जो प्रोसेस रहती है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। अब उसमें जो स्टेम सेल्स रहते हैं ना, दिस स्टेम सेल्स दे आर कॉल्ड एज माइलोब्लास्ट सेल्स और हीमोसाइटोब्लास्ट responsible for RBC formation, वो RBC formation के लिए responsible रहते हैं। कुछ जो cells रहते हैं myeloblast cells और hemocytoblast, and in man RBC formation takes place within 72 hours। human being के अंदर जो RBC form हो जाते हैं वो 72 hours के अंदर form किए जाते हैं। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, द हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज रेडियली कंबाइनड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। आरबीसीज का जो हीमोग्लोबिन रहता है वो रेडियली कंबाइन होता है ऑक्सीजन से टू फॉर्म द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। इन द टिश्यूज हीमोग्लोबिन रेडिली गिव अप इट्स ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का रोल क्या रहता है, तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहता है, उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऐसे बोला जाता है। इसीलिए जो ब्लड रहता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज बाय मीन्स ऑफ आरबीसीज। वो सिर्फ आरबीसीज ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करवा देता है। मेलानिन ऑफ ब्लड सॉरी मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, वो ये जो रहता है ब्लड का पीएच मेंटेन करने का भी काम करवाता है। आरबीसीज आल्सो ट्रांसपोर्ट CO2, और जो आरबीसीज रहते हैं वो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये आरबीसीज के अलग अलग फंक्शंस हो गए। दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। देन व्हाट अबाउट WBCs? ये WBCs क्या है, तो दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। WBCs को ल्यूकोसाइट्स ऐसे बोला जाता है, जैसे RBCs को इरिथ्रोसाइट्स बोला गया था वैसे WBCs को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ये RBC से लार्जर रहते हैं एंड डिवोट ऑफ हीमोग्लोबिन, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं रहता, इसीलिए WBCs जो रहते हैं दे आर कलरलेस, इसीलिए WBCs कलरलेस रहते हैं। उसके बाद में न्यूक्लियस प्रेजेंट इन WBCs, RBCs के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है मगर WBC के अंदर न्यूक्लियस क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब ह्यूमन ब्लड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8,000 to 9,000 WBCs आर प्रेजेंट पर क्यूबिक मिलीमीटर। जैसे 5 to 6 मिलियंस ऑफ RBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर थे, वैसे यहाँ पर 8 to 9,000 ऑफ WBCs आर प्रेजेंट पर क्यूबिक मिलीमीटर। पर क्यूबिक मिलीमीटर में इतने WBCs पाए जाते हैं।
Then next, the ratio of RBCs into WBCs is 600:1. यानी 600 RBCs के पीछे क्या रहता है, एक WBC रहता है, यानी WBC का नंबर कम रहता है. अभी जो WBCs रहते हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस सिस्टम, हेंस कॉल्ड एज शोल्डर्स ऑफ द बॉडी. वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर वर्क कर देते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, बॉडी के सोल्जर्स बोला जाता है. इट इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs कॉल्ड एज ल्यूकोमिया. इनका जो नंबर इंक्रीज हो जाता है उसको ल्यूकोमिया ऐसे बोला जाता है. पैथोलॉजिकली इंक्रीज जब हो जाता है. अबनॉर्मली द लेवल ऑफ WBCs इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया. अगर WBCs का नंबर बढ़ता है तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया ऐसे बोला जाता है. द मूवमेंट ऑफ WBCs इन WBCs टू द साइट ऑफ इंजुरी दैट इज कॉल्ड एज डायपेडेसिस. वो मूवमेंट को या प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डायपेडेसिस ऐसे बोला जाता है. The lifespan of WBCs in human is approximately 10 to 13 days. RBCs की जो lifespan रहती है वो 10 से